नमस्कार दोस्तों, मेरे दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं की बात करते हैं। ये रचनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, तो मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाओं को मैंने एक जगह एकत्रित कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो मेरे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को कैसे याद करेंगे। पहले तो मैं पूछूँ कि आप कहाँ से हैं, तो कहेंगे पृथ्वी से। फिर पृथ्वी पर किस देश से, तो आप कहेंगे भारत से। भारत में आप क्या हैं, तो आप कहेंगे हिंदू। तो दोस्तों पहले तो आप कहाँ से, तो कहेंगे पृथ्वी से, तो पृथ्वी पुत्र। हम किसके पुत्र हैं, पृथ्वी के पुत्र, तो पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पर भी कहाँ से, भारत से, तो रचना हो जाएगी भारत भारती। भारत में भी क्या हैं आप, तो हिंदू, तो आप हो गए हिंदू। हिंदू है तो क्या बोलेंगे, जय हिंद। क्या बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद। तो जब जय हिंद बोलेंगे तो गूंजेगा, तो गूंज से क्या होगा, झंकार। और जब झंकार हो जाएगा तो रंग में क्या हो जाएगा, भंग। याद हो गया दोस्तों। जैसे आप बताएंगे कहाँ से, तो कहेंगे पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी से पृथ्वी क्या पुत्र हो गए। फिर पृथ्वी पर से आप कहाँ से, तो कहेंगे भारत। भारत में आप क्या हैं, हिंदू, तो क्या बोलेंगे, जय हिंद। जब जय हिंद बोलेंगे तो झंकार होगा, और झंकार में क्या हो जाएगा, रंग में भंग। तो ये इनकी रचना होगी पृथ्वी पुत्र। भारत से भारत भारती। भारत में अब क्या, हिंदू। फिर क्या बोलेंगे, जय हिंद। झंकार होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, रंग में भंग। ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की कुछ अन्य रचनाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही लाजवाब है, जैसे साकेत। इन्हीं की रचना है साकेत, यशोधरा, पंचवटी, नहुष और सिद्धराज। ये रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, नहुष और कौन सी, सिद्धराज। तो ये रचनाएं होंगी और ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की, ये रचनाएं दोस्तों। इन्हें आप देख लीजिए और इसे आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।